सो ये वाली बाइक है बजाज V15 और इस वाले बाइक की जो टॉप स्पीड है ना वो है 110 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मेरे बजाज V15 की जो टॉप स्पीड है वो 70 के ऊपर नहीं जा रही, 80 के ऊपर नहीं जा रही, 95 तक ही आगे रुक जा रही है, तो मैं क्या करूँ। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बजाज V15 के टॉप स्पीड के बारे में हम लोग बात करेंगे, टॉप स्पीड क्यों कम होती है इस चीज के ऊपर बात करेंगे, इस प्रॉब्लम के सारे रीजंस जानेंगे और इसके मैं आप लोगों को कुछ सॉल्यूशन बताने की मैं कोशिश करूंगा। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो सबसे पहला रीजन है टॉप स्पीड अचीव ना कर पाना किसी भी बाइक में या स्पेशली बजाज V15 में, वो प्रॉब्लम होती है बेसिकली क्लच बर्न हो जाना। आप लोगों ने सुना होगा कि क्लच प्लेट जो है वो बर्न हो जाती है कभी कभी, जिसके वजह से क्लच और इंजन के बीच में जो पावर ट्रांसफर होता है ना वो थोड़ा सा वो कम हो जाता है। सो एक ये एक बहुत बड़ा एक रीजन होता है और मैक्सिमम यही रीजन होता है कि किसी भी बाइक में टॉप स्पीड जो है वो नहीं मिल पाती है। और सिर्फ क्लच प्लेट जलने से ही नहीं होता है, अगर क्लच असेंबली अगर पूरी अगर खराब हो जाती है ना, तो उससे भी बेसिकली ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आती है। सो अगर आप लोगों के बजाज V15 में अगर टॉप स्पीड अगर आप लोगों के अचीव नहीं कर पा रहे हो या वो आउटपुट आप लोगों को नहीं मिल रहा है जो आप लोगों को पहले मिलता था, तो सबसे पहली चीज आप लोगों को चेक करनी चाहिए कि कहीं आप लोगों के बाइक का क्लच प्लेट कहीं जला तो नहीं हुआ है। अब ये चीज ऑब्वियसली बाइक चलाने वाले को पता चलेगा कि उसके बाइक का क्लच प्लेट जो है वो जला है या नहीं जला है, क्योंकि क्लच प्लेट जलने से क्या होता है ना, बाइक जो है वो हायर आरपीएम पे रहती है लेकिन बाइक में पावर डिलीवरी नहीं हो पाती। सो अगर आप लोगों की बाइक का क्लच प्लेट अगर जला हुआ है या फिर क्लच असेंबली में अगर कुछ अगर परेशानी है, तो सबसे पहला काम आप लोग यही करो कि क्लच प्लेट को चेंज कराओ, क्लच असेंबली को चेंज कराओ। और जैसे ही आप लोग अपने बाइक में एकदम नया नया क्लच प्लेट या क्लच असेंबली डालोगे तो आप लोगों की बाइक की जो टॉप स्पीड है वो नॉर्मल हो जाएगी। सो अभी जो दूसरी प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम की वजह से बाइक जो है वो टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पाती है, वो रीजन ये होता है कि बाइक का जो एयर फिल्टर होता है ना वो थोड़ा सा वो गंदा हो चुका होता है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, बाइक में से मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए एयर फिल्टर का साफ होना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मतलब अगर प्योर अगर एयर फिल्टर हो के अगर इंजन में नहीं जाएगी और वो गंदा रहेगा, जिसकी वजह से बाइक की जो टॉप स्पीड है वो मतलब फुल ऑन अचीव नहीं हो पाती है। सो सबसे पहला काम आप लोग ये करो कि एयर फिल्टर को आप लोग साफ करवा लो। सो एक तो रीजन ये हो गया और जो नेक्स्ट रीजन है वो भी सफाई से रिलेटेड है। बेसिकली ये बजाज V15 में एक चीज होती है जिसको कहते हैं कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का जो काम होता है वो ये होता है कि बाइक के टैंक में से आपके इंजन में कितना पेट्रोल जा रहा है उस चीज को बेसिकली रेगुलेट करने का काम करता है। सो अगर आप लोगों की बाइक का कार्बोरेटर अगर गंदा होगा तो उससे भी टॉप स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लोगों के बाइक में अगर गंदा अगर फ्यूल जाएगा तो वो दिक्कत का कारण बन सकता है। सो आप लोग अपने बाइक का एयर फिल्टर को साफ करवाओ और कार्बोरेटर को साफ करवाओ। पॉसिबली ये हो सकता है कि आप लोगों के बाइक का एयर फिल्टर जो है या फिर कार्बोरेटर जो है ना वो गंदा हो गया हो, जिस वजह से आप लोग की बाइक जो है वो टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पा रही हो। सब जो नेक्स्ट रीजन है ना वो रीजन ये हो सकता है कि आप लोगों के बाइक का जो चेन और स्प्रॉकेट होता है वो या तो वो गंदा हो गया हो नहीं तो वो डैमेज हो गया हो। अब देखो चेन और स्प्रॉकेट का काम क्या होता है, चेन और स्प्रॉकेट का काम सिंपली ये होता है कि आपके बाइक में जो भी पावर जो जनरेट हो रही है उस पावर को रियल व्हील में ट्रांसफर करने का उसका काम होता है। सो अगर आप लोगों के बाइक की चेन ढीली होगी या फिर गंदी होगी या फिर बहुत ज्यादा टाइट होगी या फिर स्प्रॉकेट जो है वो स्प्रॉकेट खराब हो गया होगा, तो इस चीज का भी असर जो है वो बाइक के टॉप स्पीड पे पड़ता है। ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी चीजें हैं जिस चीजों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन इन सब चीजों को भी अपग्रेड कराना जो है वो जरूरी होता है। मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को यही रहेगी कि आप लोग अपने बाइक में हर 10,000 किलोमीटर के बाद स्प्रॉकेट को जो है वो चेंज आप करा सकते हो, क्योंकि 10,000 किलोमीटर अगर बाइक अगर चल गई है तो स्प्रॉकेट खराब होने के चांसेस होते हैं। सो अगर आप लोगों की बजाज V15 अगर टॉप स्पीड अगर अचीव अगर नहीं कर पा रही तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि आप लोगों की बाइक का जो स्प्रॉकेट या फिर चेन है वो गंदी हो गई हो, या तो लूज हो गई हो, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइट हो गई हो, नहीं तो उसके स्प्रॉकेट जो है वो खराब हो गया, वो डैमेज हो गया हो। अभी जो नेक्स्ट रीजन है ना वो बेसिकली ब्रेक से रिलेटेड है। आप लोगों को ऑब्वियसली पता ही होगा कि ब्रेक को कभी कभी टाइट या लूज कराना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्रेक को ना बहुत ज्यादा टाइट करा लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उसका जो इफेक्ट होता है वो पावर पे पड़ता है। मतलब ऑब्वियसली जब व्हील पे जब कंटिन्यूस जब रेजिस्टेंस जब बना रहेगा ना तो टॉप स्पीड आप लोगों को बाइक की अचीव करनी जो है वो मुश्किल होगी। सो आप लोग अपने बाइक का जो ब्रेक है उसको एकदम एडिक्वेट अमाउंट पे उसको सेट उसको करवाओ, नहीं ज्यादा लूज नहीं ज्यादा टाइट, तो पॉसिबली हो सकता है कि आप लोगों की बाइक का जो टॉप स्पीड है वो मतलब नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। सो एक प्रॉब्लम है बेसिकली जिस चीज की वजह से आप लोग की बाइक जो है वो टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पाती है।
अभी जो नेक्स्ट चीज है ना उसका रिलेशन जो है वो सिंपली इंजन से है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इंजन को स्मूथ रखने के लिए इंजन में इंजन ऑयल डालना जो है वो जरूरी होता है। इंजन ऑयल का काम होता है कि इंजन को बेसिकली स्मूथ रखता है। एंड बाइक की सर्विसिंग में भी यही काम होता है कि बाइक में जो इंजन ऑयल है उसको रिप्लेस उसको किया जाता है। सो आप लोग अपने बाइक का एक बार इंजन ऑयल एक बार चेक कर लो, या वो खत्म तो नहीं हो गया है या फिर वो पूरी तरह से खराब तो नहीं हो गया है, क्योंकि इंजन ऑयल जब खराब हो जाता है ना तो उसके अंदर बहुत सारे डस्ट जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंजन उतना ज्यादा स्मूथ नहीं रह पाता है। सो एक इस चीज को आप लोग ध्यान रखो कि आप लोगों ये बाइक का जो इंजन ऑयल है वो टाइम टू टाइम वो रिप्लेस होता रहे। ऑब्वियसली अगर आप लोग अगर अपने बाइक में अगर इंजन ऑयल बहुत पुराना अगर आप लोग अभी चला रहे हो तो वो जो है वो दिक्कत करने लगता है बाइक में, जिसके वजह से आप लोगों ये बाइक की टॉप स्पीड जो है वो लो होने लगती है। सो अभी एक ये प्रॉब्लम हो गई है ना। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बेसिकली टायर से रिलेटेड है। हम लोग जब भी हम लोग बाइक चलाते हैं ना, तो अगर कोई भी अगर रोड पे अगर धागा होता है या कुछ भी होता है तो वो टायर के एक्सल में वो लिपटा जाता है, और जब वो टायर के एक्सल में जब लिपटा जाता है उससे क्या होता है ना, वो घिसने लगता है, और घिसने से बाइक के टायर में जो है वो रेजिस्टेंस वो पैदा करता है, जिसकी वजह से मतलब ऑब्वियसली बाइक का जो टॉप स्पीड है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सो एक इस चीज को एक देख लेना अपने बाइक में कि आप लोगों के बाइक के एक्सल में कुछ धागा वागा कुछ गंदगी कुछ ना लपटी हो, है ना। अगर लपटी हुई है तो उसको ऑयल डाल के उसको निकाल देना। टायर के एक्सल की जो सफाई होती है वो भी जरूरी होती है ना, जिस चीज के वजह से टॉप स्पीड बढ़ती है ना। आप लोग इतना आप लोग समझो, टायर आप लोगों का जितना ही फ्रीली मूव करेगा ना उतना ही आप लोगों को इजी होगा कि आप लोग अपने बाइक की टॉप स्पीड जो है उसको अचीव उसको कर पाओ। तो ये एक रीजन हो गया। अब जो लास्ट रीजन है ना, लास्ट रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। वो रीजन ये है कि लोग जो है वो टायर को बहुत ज्यादा यूज कर डालते हैं, है ना, एकदम ओवर यूज एकदम कर डालते हैं, जिसके वजह से टायर जो होता है वो खराब हो जाता है, या तो घिस चुका होता है नहीं तो टायर अपनी ग्रिप जो है वो छोड़ चुका होता है, जिसके वजह से बाइक की टॉप स्पीड जो है वो अचीव करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। सो एक ये एक बेसिकली एक रीजन होता है ना, कि अगर आप लोगों की बाइक का टायर का बहुत ज्यादा अगर ओवर यूज अगर हो चुका है तो टायर को चेंज कर दो, क्योंकि ब्रांड न्यू टायर में ना टॉप स्पीड अचीव करना वो ज्यादा इजी रहता है ना। एकदम साफ सुथरी बाइक अपनी रखो, टायर चेंज करो, और मैंने आप लोगों को जो जो बताया वो सब कुछ आप लोग ट्राई करो, आप लोगों के बाइक की जो टॉप स्पीड है वो बढ़ेगी 100%। सो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट एक आया था जिसमें एक बंदा जो है वो मेरे से पूछ रहा था कि मेरे बाइक की जो टॉप स्पीड है वो इतने से ऊपर नहीं जा रही है ना, और ऐसे मुझे बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि फाइनली चलो आज इस चीज के ऊपर भी एक वीडियो आज बना ही दे। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मेरा घर जो है वो नजदीक आ चुका है ना, तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे, और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी बेसिकली अगर लिखने का अगर मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कल। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से कल। चलो गाइस बाय बाय।